स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिब्बू की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए आज की रेसिपी चालू करते हैं फटाफट बनाना। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, ये हम ले लिए हैं चने का दाल है। तो ये फ्रेंड्स हम चने का दाल लिए हैं। देखिए ये चने के दाल से आज आप लोगों को रेसिपी बना के दिखाते हैं। तो चने के दाल को हमने रात में ही भिंगो दिया था। आप चाहे तो दिन में भी इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिंगो सकती हैं। अगर जल्दी है बनाना तो इसको आप दिन में भी कर सकती हैं, हमने रात में ही कर दिया था। तो चना का दाल अब हम जो है एक यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हमें कुकर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम गैस को कर लेते हैं ऑन। तो गैस को हम ऑन कर लिए हैं, कुकर को रख देते हैं गर्म होने के लिए। जब हमारा कुकर गर्म हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं। तो कुकर फ्रेंड्स हमारा गर्म हो गया है, देखिए कुकर गर्म है। कुकर को जो है हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें 1 चम्मच के तेल का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और अब इसमें हम तड़का देंगे। फ्रेंड्स देखिए आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम हींग डाल देंगे। तो हींग यहाँ पे हम ले लिए हैं, लगभग 1/2 चम्मच हींग लिए हैं। हींग को पहले डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए मेथी लिए हैं, मेथी के दाने छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच लिए हैं। और ये सूखा लाल मिर्च ले लिए हैं, सूखा लाल मिर्च का हम तड़का लगा देते हैं। तो इसे भी डाल देंगे किचन में। हमारा जो है जल गया है तो इसमें हमें सबसे पहले जो ये दाल हम रखे हैं, तो देखिए दाल को हमने पानी इसका गिरा दिया है और अब दाल को भी डाल देते हैं इसी के साथ और इसे हम चला लेंगे। कोई दाल बनाने वाले नहीं है, आप लोग आगे आगे देखते रहिए वीडियो, बस आप लोग को पता लग जाएगा कि हम यहाँ क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, लगभग 1/2 गिलास के डाल देंगे पानी। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक। पहले हल्दी पाउडर डालते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल दिए हैं। अब नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम नमक भी डाल दिए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, कुकर का ढक्कन लगा देना है और इसे 2 सीटी आने तक हम इंतज़ार करेंगे। जब ये 2 सीटी दे देगा फिर हम आपको दिखाएंगे। तो जब तक दाल हमारा हो रहा है फ्रेंड्स हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं आटा। आटा वो गेहूं वाला ही जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। तो इसे हम 1 कटोरी लिए हैं, 1/2 कटोरी हम और ले लेते हैं। तो ये देखिए 1/2 कटोरी हम और ले लिए हैं गेहूं का आटा। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे हम आटा लगाते हैं, डो लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें करना है। इसमें कुछ भी हमें डालना नहीं है आटे के अंदर, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल आटा को जो है हम तैयार कर लेते हैं इसका डो। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि आटा का डो हम लगा के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। तो इसे हम ढक के रख देते हैं क्योंकि गर्मी का है सीजन फ्रेंड्स, तो गर्मी में आटा सूख जाता है, इसलिए इसे हम ढक के रख देते हैं जब तक हमारा दाल हो जाए, फिर हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दाल हमारा हो गया है, सीटी दे दिया है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे नीचे रख लेते हैं। इसका प्रेशर निकलने तक हम इंतजार करते हैं, जब अभी प्रेशर बना हुआ है तो ये निकल जाए, फिर हम जो है कुकर को खोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये प्रेशर निकल चुका है, इसे हम कुकर को खोल लेते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए दाल हमारा हो गया है, बिल्कुल हमें इसे गलाना नहीं है, इसे हम बस थोड़ा सा ही पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि दाल जो है हमारा पक चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं आप लोग कीजिएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये बिल्कुल घुल जाएगा और दाल की तरह हो जाएगा। तो हम यहाँ पे छन्नी ले लिए हैं थाली और इसमें नीचे प्लेट लगा दिए क्योंकि ये पानी है तो पानी गिरेगा। तो यहाँ पे हम सारे दाल को निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमने दाल को निकाल लिया है कुकर से, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स दाल ज़्यादा पका ना हो और इसमें पकाते समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना है, बस दाल के हिसाब से एक गिलास या आधा गिलास पानी बस डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये हमारा दाल देखिए हो गया है, इसे हम थोड़ी देर ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इसे मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे क्योंकि अभी बहुत गर्म है, तो इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दाल हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम जो है मिक्सर जार ले लिए हैं और उसे दाल को डाल के पीस लेते हैं। हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है, तो इसे हम ऐसे ही सूखा पीसेंगे, बिल्कुल बारीक होगा इसका पेस्ट, आपको पीस के दिखाते हैं अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इसका बारीक पेस्ट जो है तैयार हो गया है, ऐसा ही हमें तैयार करना है। तो सारे दाल को हम पीस लेते हैं, पानी बिल्कुल भी आप लोग नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए दाल जो है हम पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक दाल है, देखिए बहुत अच्छा हुआ है। तो बस ऐसे ही आप लोग भी करिएगा तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जहाँ तक हो के मुझे समझे गेस तो आप लोग कर ही लिया होगा कि क्या बना रहे हैं, तो नहीं तो हम बता दे रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे हम बना रहे हैं दाल वाली पूड़ी, हाँ चने की दाल वाली भरी पूड़ी, इसे पूरन वाली भी पूड़ी बोलते हैं, तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और एक तरफ हम कर दिए हैं तेल, तो आइए फटाफट आपको बना के दिखाते हैं पूड़ी दाल वाली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जैसे हम आटे लेते हैं रोटी के लिए ठीक उसी तरह हम ले लेंगे और सूखे आटे को लगा लेंगे फ्रेंड्स, और देखिए इसे गोल गोल बीच में ऐसे अंगूठे को रखेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए हम कटोरी जैसे बना लेंगे। और अब इसमें जो ये पूरन हम पीस के रखे हुए हैं इसे इसके अंदर डाल देंगे, भर लेते हैं ये और इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए फिर इसे हम लेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे चारों तरफ से बस हमें इसको मोड़ लेना है अच्छे से। तो ये देखिए बिल्कुल मेरा हो गया है, और अब हम जो है सूखे आटे लगा के इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, नहीं तो ये फट जाता है जल्दी। तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ तवा भी है एक तरफ तेल भी है तो क्या मतलब है, तो देखिए आगे आगे आप लोग देखते रहिए, वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं किया करिए, अगर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी मेरी रेसिपी आप लोग को समझ में आएगी।
तो ये देखिए यहाँ पे जो है हम इसे बेल लिए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा। अब इसे हम तवे के ऊपर डाल देते हैं, तब तक फिर दूसरा भी बना लेते हैं इसी तरह। इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी बातों का, थोड़ा छोटा छोटा टिप्स जो है हमें ध्यान देना है बस इसमें। देखिए बिल्कुल कटोरी की तरह बना लें और फिर इसमें हम इसे भर लेते हैं। तो इसे हम भर लिए देखिए, और फिर इसे गोल गोल घुमाते हुए बस इसका मुंह हमें बंद कर देना है। तो ये देखिए चारों तरफ से हम इसे बंद कर देंगे और ये जो हम तवा पे डाले हैं इसे पलट लेते हैं। फिर इसे हम ठीक उसी तरह बेल लेंगे। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बहुत टाइट होकर इसे नहीं बेलना है, इसे आराम से आप लोग कीजिएगा, नहीं तो ये फटने का रहता है डर। तो ये हम बेल लिए दूसरा भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी हमारा शेक किया है। अब इसे हम तेल में डाल देंगे। जब तक हमारा पहला हो रहा है दूसरा भी हम तवे के ऊपर डाल देते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से बोल रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए और मेरी आने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो प्लीज़ ये बिल्कुल भी नहीं भूला करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स बस बातों बातों में मेरी ये दाल वाली पूड़ी बनके बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं बर्तन में। तो ये देखिए कितना बढ़िया है, दूसरा पूड़ी भी हम ऐसे तल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट भी हम तल सकते हैं, जी आप डायरेक्ट भी तल सकती हैं फ्रेंड्स तलने बेलने के बाद, लेकिन उससे क्या होगा कि कच्चा रह जाता है और इससे जो है बहुत ही अच्छे से सेक जाता है और पूड़ियाँ जो बनती है बिल्कुल साफ़ होती है, ये पूड़ियाँ बिल्कुल मुलायम पूड़ी ये बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस इसमें तेल में डालते पूड़ी जो है अच्छे से फूल जा रही है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ बनके रेडी हो गई। दाल वाली पूड़ी देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है और बिल्कुल मुलायम ये पूड़ी बना हुआ है, आपको दिखाते हैं एक तोड़ के। तो आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छा ये पूड़ी बना हुआ है, देख सकते हैं दाल बिल्कुल भरा हुआ है और बहुत ही ये मुलायम पूड़ियाँ बनता है फ्रेंड्स। अगर तवा पर आप सेक के फिर इसे तलिए तो ये पूड़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये मेरी पूड़ियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो गई है।